निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी की औरंगाबाद की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। बता दें कि निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जानी है। उनीता देवी अपने पति अक्षय सिंह ठाकुर के विरुद्ध डाइवोर्स का एक मुकदमा लाई थी। 16 तारीख को सुनवाई था, जिस दिन पीओ उपस्थित नहीं थे, पीठासीन पदाधिकारी। आज का तिथि निर्धारित हुआ था, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं परिस्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण आज वो नहीं आई है। नहीं आने के कारण कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उसके नहीं आने पर एडमिशन नहीं होगा, लेकिन फैमिली एक्ट में उनको डिस्क्रिप्शन है, उसका प्रयोग इन्होंने किया है और कहा कि जब वह उपस्थित होगी व्यक्तिगत रूप से, उसके सुनने के बाद ही इस पर आगे विचार किया जाएगा कि अक्षय सिंह ठाकुर को समन करना है या नहीं करना है। इस बिंदु पर सुनवाई के लिए पुनीता को बुलाया गया है, अगली तारीख पर वह सशरीर उपस्थित होगी।